So today's topic is neural networks and for understanding what neural networks is uh, are made up of we should understand first that what is a perceptron perceptron is actually one neuron and we will look into the details of it to understand how neural network works. So these are the few topics. This is the part one of neural networks In this we are only focusing on perceptron. So perceptron कैसे वर्क करता है वी विल अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली वी विल ऑल्सो गेट टू नो दैट वट इज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन वट आर डिफरेंट कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन डू वी नीड दैम वो सब हम देखेंगे एंड देन वी विलुक इन टू द एग्जाम्पल ऑफ परसेप्ट्रॉन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड सो दिस परसेप्ट्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीप लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ मशीन लर्निंग ओनली स्पेशली द वे वी हैव डिफरेंट मॉडल्स हमने अब तक के एन एन पढ़ा है एस वी एम पढ़ा है लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है ऐसे ही हमने डिसीजन ट्रीज पढ़े हैं रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा है तो ऐसे ही एक न्यूरोल नेटवर्क होता है न्यूरोल नेटवर्क इज़ अनदर मॉडल इन मशीन लर्निंग न्यूरो नेटवर्क का एक्सटेंशन इज डीप लर्निंग न्यूरो नेटवर्कस को अगर हम थोड़ा सा डीप में ले जाएं फॉर एग्जांपल न्यूरल नेटवर्क कुछ ऐसा दिखता है कि जो हमारा परसेप्टॉन है सपोज कुछ दो न्यूरॉन्स हैं इसके बीच में कुछ लेयर्स हैं अगर हमारे लेयर्स ज़्यादा हैं एंड में कुछ आउटपुट आ रही है तो हमारा इनपुट इन सारे लेयर से होता हुआ एंड तक पहुँचेगा एंड बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज लेयर्स इनको हम हिडन लेयर बोलते हैं वी विल लुक इन टू द डिटेल्स कि ये क्या होते हैं

ठीक है मल्टीपल इनपुट्स आएंगे हमारे सपोज एक्सेल शीट से आ रहे हैं कोई पिक्सल वैल्यू आ रही है तो उसको अगर हम समेशन करेंगे विद डिफरेंट वेट्स वेट वन वेट टू वेट एम तो आप इनको समेशन कर दो एक्स आई इन टू डब्ल्यू आई और जो ये वाला हमारा येलो सर्कल है इसमें जो ये सिंबल है इट मीन्स नॉन लेनिया तो नॉन लिनिया का जो कंपोनेंट है वो हम बीच में साथ में लेके आएंगे एंड दिस एक्चुअली इज कॉल्ड एक्टिवेशन फंक्शन जो हमारा नॉन लिनियरिटी लेके आ रहा है वो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है यहाँ पे जी जो फॉर्मूला में डाला गया है टू गेट द फाइनल आउटपुट जी इंटू समन ऑफ एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई किया है तो जी इज माई एक्टिवेशन फंक्शन और ये नॉन लीनियर कंपोनेंट क्यों आया है इसके पीछे रीजन क्या है वी विल लुक इट बट बेसिक मॉडल ऐसा है अब इसमें देर इज वन इनकम्प्लीट थिंग इसमें एक बायस नाम की चीज होती है सो so, यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू अप टू डब्ल्यू एम नहीं है डब्ल्यू नॉट भी है आप एक बायस एड करोगे जब आप सबमिशन कर लोगे सबमिशन करने के बाद बायस वैल्यू एड होगा जो कि बाई डिफॉल्ट

आपके पास इनपुट्स थे ये सारे इनपुट्स हैं ठीक है आपके पास बायस वैल्यू है और आपने उन सबको सबमिशन किया देन यू पास इट थ्रू द नॉन इन आई टी एक्टिवेशन फंक्शन टू गेट द फाइनल आउटपुट अब देखते हैं ये कैसे काम करता है फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज पाइथन में रन करना है तो वट यू कैन डू इज इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस सबमिशन ऑफ एक्स फॉर यू हैव टू रन ए फॉर लूप जनरली हम यही करते हैं दैट आप क्या करोगे एक्स वन या फिर जो भी हमा, हमारा होगा एक्स वन एक्स टू को हम ये लिख सकते हैं सपोज uh, आप एक्स वन को लिख दो एक्स ऑफ आई एक्स टू को भी आई से कवर कर लेंगे फॉर आई इक्वल टू वन से लेके आई लेस देन इक्वल टू एम आप फॉर लूप ऐसे लगाओगे एंड वट यू कैन डू एज यू कैन एक्चुअली डू द समेशन तो समेशन कैसे करेंगे हम सपोज हमने किया फ्लोट सम इक्वल टू जीरो एंड देन यू कैन एड वैल्यू ऑफ द सम विद मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ एक्स ऑफ आई इंटू डब्ल्यू ऑफ आई सो आप ऐसा कुछ करोगे फॉर लूप में और आपका ये सम हो जाएगा और जब आपका सम निकल के बाहर आएगा यू कैन मल्टीप्लाई इनफैक्ट यू कैन एड यूर डब्ल्यू नॉट विद डेट सम एंड देन यू कैन मल्टीप्लाईट विद जी तो ये आप फॉरलुक के थ्रू ऐसे प्रोसेसिंग करोगे बट इफ यूट इट इन पाइथन दटर वे आप क्या करो आप एक्स को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो एक्स ट्रांसपोज ले लो उसका एंड ऑल्सो वेट्स का भी आप एक मैट्रिक्स ले लो तो इफ़ यू कन्वर्ट ऑल द एक्स वैल्यूज एंडल्यूज इन द मैट्रिक्स फॉर्म यू कैन एक्चुअली डू द कैलकुलेन बाई यूजिंग दिस फॉर्मुला इसको हम वैक्टराइशन मैथड कहते हैं सो दिस इज ए वैक्टराइेशन मैथड विच अस टू नॉट यूज फॉर लूप वैक्टरेशन मैथड होता है इन पाइथन अकॉर्डिंगली हम फॉर लूप नहीं यूज करेंगे एंड वैक्टरेशन इज वेरी फास्ट कंपेयर टू फॉर लूप तो यहाँ पे वट वी हैव इज वी हैव एक्टिवेशन 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 फंक्शन 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 सो वी विल फोकस ऑन दिस नाउ कैन बी सिग्मोइड sigmoid function we have already used uh, previously also uh, while studying logistic regression so uh, sigmoid function give the 1 upon 1 plus e to the power minus z. so according to this formula what we are trying to do here is if my y hat which is the output final value if it uh, if it has to be calculated by using this formula of g into w naught plus x t w so this will be my z.

In between zero and one. So for फॉर sigmoid, the range is always between zero and one. So this is how it is helping me to handle even the big values. अगर यहाँ पे कोई बड़ा नंबर भी होता हम इस फॉर्मूला में डाल के उसको कंप्रेस करके जीरो वन की रेंज में लेके आएंगे And within that, दैट जीरो पॉइंट फाइव इज वन ऑफ द थ्रेश होल्ड वैल्यू अगर आपका जी ऑफ जेड का वैल्यू कैलकुलेट होके सपोज जीरो पॉइंट जीरो फाइव आता है तो आप उसको राउंड ऑफ करके जीरो कर दोगे और अगर सपोज आपका वैल्यू जीरो पॉइंट आता है तो आप इसको वन कर दोगे सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू क्लासिफिकेशन जो भी आपका जी ऑफ जेड आएगा जो भी आप कैलकुलेट करोगे गेटिंग दैक्ट्रेशन डन एंड एडिंग एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास कुछ वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप राउंड ऑफ करते हुए

सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द सिग्मोइड फंक्शन सिगमोइड फंक्शन में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट माई फंक्शन लुक्स लाइक दिस ठीक है सो इफ यू फाइंड द फर्स्ट डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इफ यू नो डेरीवे फर्स्ट डेरीवेटिव यहाँ पे द आउटपुट विल बी जी ऑफ जेड इन टू वन माइनस जी ऑफ जेड ठीक है दिस इज द फर्स्ट डेरीवेटिव

बट रेंज इज डिफरेंट माइनस वन टू वन कम्पेयर टू सिगमोइड विच वॉज जीरो टू वन ठीक है एंड आप इसके साथ में डेरीवेशन फंक्शन का भी अगर आप ग्राफ देखोगे सो दिसक्स लाइक दिस पार्ट ठीक है एंड इफ यू प्लॉट द डेवेटिव फंक्शन ऑफ दिस वन इट विल लुक लाइक दिस पार्ट सो दीज आर द टू डेरी फंक्शन दे लुक डिफरेंट कंपेयर टू द ऑरिजिनल फंक्शन रेलू में वी हैव दिस थिंग दैट यू द वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ मैक्सरोन दउटपुट विल बी जीरो बिकॉज जीरो और माइनस फाइव का मैक्स वैल्यू इज जीरोस में क्या हो रहा है आपके जितने भी नेगेटिव नंबर है वो सारे जीरो हो रहे हैं ठीक है दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम इसको ठीक करने के लिए एक और एक्टिवेशन फंक्शन आया था विच वॉज कॉल्ड लीकी रेलू लीकी रेलू में क्या होता है वैल्यू जीरो पे बट हल्का सा उसमें एक फैक्टर वैल्यू को वी विल सी इफ इट कम्स बट फॉर नाउ दिस इज हावर रेलू लुक्स एंड आई ऑल्सो टोल्ड दैट वन मोर फंक्शन इज देयर सपोज सॉफ्ट मैक्स फंक्शन की बात करें सॉफ्ट मैक्स Ka formula is f of x or maybe you can write g of z equal to log of 1 plus e to the power z. So this is the formula of softmax function and you can do the first derivative theke, g of z you can solve it. So this is how the softmax function looks like. This is sigmoid. This is hyperbolic tangent which is called दिस इज रेलू रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट अब इन सब में इन तीनों में आपके सामने प्रॉब्लम है वेनिशिंग ग्रेडियंट की वेनिशिंग ग्रेडियंट मीनस दैट वेन्यू प्लॉट दीज थिंग्स जब भी आप इनको डेरिवेटिव को प्लॉट करोगे ग्रेडियंट को प्लॉट करोगे इसके तो ग्रेडियंट प्लॉट करने पे वेल्यू हमारी जीरो हो रही है दो जगह पे इस केस में भी जीरो हो रहा है दो जगह पे ठीक है एंड फॉर ऑल द नेगेटिव नंबर्स जो हमारा डेरिवेटिव है वो जीरो देगा तो जब भी हमारा zero, first, uh, इसको करने के लिए लीकी रेलू आया था लीकी ऑलरेडी टोल्ड थोड़ा सा आइडिया दिया है दैट आप मैक्स ऑफ जीरो आप इसको जीरो को अपडेट कर देते हो आप कहते हो दैट मैक्स ऑफ मे बी जीरो पॉइंट जीरो वन जेड कॉमा जेड ऐसे करके आप वैल्यू लिख देते हो उसमें तो उसमें क्या होता है कि आप पूरे का पूरा वैल्यू उसका नेगेटिव सपोज uh, हमारा यहाँ पे माइनस फाइव होता तो दिस वुड हैव माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड माइनस फाइव

एंड दैट विल हेल्प अस डू द राइट काइंड ऑफ सेग्रीगेशन इन टू टू क्लासेस और ये नॉन यूनिटी हमारी लेके आएगा एक्टिवेशन फंक्शन ठीक है सो लेट्स लुक इन टू द एग्जाम्पल ऑफ परसेप्टॉन सो लेट्स से दैट वी हैव फ्यू वैल्यूज वी हैव एक्स वन एक्स टू वेट्स आर थ्री एंड माइनस टू ये मेरा डब्ल्यू वन है ये मेरा डब्ल्यू टू है दिस इज माई डब्ल्यू नॉट विच इज इक्वल टू वन एंड दिस इज माई ये वाला वन ही इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी सो दिस वॉज बायस इज डब्ल्यू नॉट सो नाउ इफ यू टू कैलकुलेट कैलकुलेशन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो दैट hat will be equal to g into w not plus x t w. सो so, x transpose w जब आप करोगे यू विल गेट दिस इक्वेशन g into one plus three x one minus two x two. नाउ दिस लाइन कैन बी प्लॉटेड into द ग्राफ आप ऐसे टू डी एक लाइन प्लॉट कर दो नॉ इफ यू टू चेक फॉर दिसनस एंड इफ यू पुट इन टू द इक्वेशन द वैल्यूलो पॉइंट जीरो जीरो टू एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्यर की अगर आपका जीरो पॉइंट फाइव से कम वैल्यू है तो आप उसको जीरो की तरफ राउंड ऑफ कर दोगे सो दिस इज माई जेड लेस देन जीरो uh this is my class one tk okay? where uh, we can say that if y is less than 0. 0.5 this will be class 0 and if it is greater than 0. 0.5 it is class 1 or maybe you can say uh, greater than 0 so 0 is the boundary left hand side or right hand side you have to decide accordingly the equations will be calculated and you can solve the equations so that's all for this first part now we will move, move to the second part the second part is that we have to discuss neural networks in detail so neural networks we will study now we have already understood that how perceptron works how the forward propagation works now we will look into the neural networks that how these neural networks work and uh, what is what are the different things written here these will be the points that i will be covering in today's class <clears throat> So we will build a neural network with some perceptrons in which we will use single layer as well as deep neural network will be done uh, prepared and deep neural network or single layer neural network. Now applying neural networks, we will look into that how we can apply different neural networks on different problems. what is quantifying loss and empirical loss? what is BCE loss and mean square error loss? How do you train a neural network? how you do the loss optimization? of a neural network what is gradient descent in this problem and how do we do the back propagation in a neural network we will cover all these points in this class so now let's look into that how do we build a neural networks with some perceptrons we already know that perceptron looks like this where we can do some mathematics where x1 x2 up to xm will come into this x transpose matrix and W1, W2, Wm will come into this W uh, matrix. W0 will be the bias value. Theke? And uh, this is how we can calculate the Y hat, which is the output. So, if these are the three values that are being passed into Z, you can solve this Z is equal to W0 plus summation Xj, Wj. This is already discussed earlier. But if there are multiple outputs, आप z अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो सो फॉर z1 वन यू कैन पुट दिस वैल्यू हेयर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप z1 वन कैलकुलेट करोगे सो z1 वन विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट कॉमा वन प्लस समेशन ऑफ j इक्वल टू वन एम एक्स जे डब्ल्यू जे कॉमा वन सो यू हैव टू जस्ट सब्च्यूट द वैल्यू ऑफ वन इन टू द इक्वेशन एंड

सारे कनेक्शन बने हुए हैं जब ये फुली सारे कनेक्टेड बने होते हैं कनेक्शन, यू कॉल इट ए लेयर, सो दिस इज लेयर, एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन दिस थिंग इन सो इज टें लाइब्रेरी इन पायथन विच इज हेल्पफुल टू गेट द वर्क डन फॉर दिस नेटवर्क सो केराज इज ए एपी आई बिल्ट ऑन टेंसर फ्लो सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस आपने मल्टीपल लेयर करने हैं जिसमें डेंस इक्व टू टू है ठीक है एंड नाउ दिस इज कॉल्ड सिंगल न्यूरल सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क सो वेन यू वांट टू काउंट दैट हाउ मेनी लेर देयर जस्ट फोकस ऑन द हिडन लेयर सो दिस इज ए हिडन लेयर वाई बिकॉज दिस इज माई इनपुट दिस इज माई आउटपुट ये अंदर क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता ठीक है बैक एंड पे हमारे लिए हमें सिर्फ इनपुट पता है एंड वी वी ऑल्सो नो द आउटपुट बट बैक एंड पे वट इज द दैलकुलेशन बींग सॉल्व इट यू डोंट नो ऑन द बैक एंड इज बिंग डन सो दट इट इज कॉल्ड ए हिडन लेयर सो इफ यू वॉन्ट टू लुक इन टू द इक्वेशन हिडन लेयर का इक्वेशन विल बी जेड ऑफ आई विच कैन बी जेड टू अपू जेड डी वन इक्वल टू दिस थिंग ू जीरो पर वन बिकॉज यहाँ पे ये यह हमारा फर्स्ट यहाँ से आ रहा है मतलब जो हमारा ये वाले एरिया है सो so, जो हमारा ये वाला एरिया है ये वाले सारे कनेक्शन ऑल ऑफ दिज वेट्स आर बींगल्ड डब्ल्यू वन मैट्रेक्स एंड ऑल ऑफ दिज सेकेंड लेट्स आर कॉल्ड डब्ल्यू टू वेट्स सो जो हमारे ये मैट्रेसेज है उनको हम यूज करेंगे एंड डब्ल्यू वन जीरो मल्टीप्लीकेशन वैल्यू फॉर इच वैल्यू रिगार्डिंग दई का वैल्यू अपडेट करते जाओ आपको कैलकुलेशन में मिलता जाएगा एंड सिमिलरलीफ यू टू कैलकुलेट द फाइनल आउटपुट देन यू कैन पास दिस थिंग जी इन टू डब्ल्यू जीरो पे हमारा सेकेंड वेट यूज हो रहे हैं So this is my bias area, uh, bias value. This is my uh, calculation of uh, G into this G Z one into W J I this by two because this is second layer. So this is how these equations can be calculated. So this can be seen now in detail. Here we have multiple weights. Hamne W one two ये वाला जो वन टू है दिस वन टू मीन्स आप वन से जा रहे हो टू की तरफ सिमिलरली टू से टू की तरफ जाओगे तो टू कोमा टू अगर आप एम से टू की तरफ जाओगे इट विल बी एम कोमा टू सो दब्सक्रिप्ट इज अंडरस्टैंडेबल कि जो हमने ये वन कोमा टू टू कोमा टू लिखा है ये क्यों लिखा है एंड वन इसलिए लिखा है बिकॉज ये हमारे फर्स्ट वेट्स है ठीक है क्योंकि ये हमारे फर्स्ट वेट्स है एंड जब हम यहाँ से ये निकलेंगे तो हमारे ये सेकेंड वेट्स होंगे

W और X का एक्स वन इन टू डब्ल्यू ये वालाप्लाई कियाओगे मल्टीप्लाई करो एंड एड ऑल ऑफ दीज सो दिस इज माई समेन ये वाला पार्ट एंड ऑल्सो एड द बायस वैल्यू विच इज डब्ल्यू जीरो पे सपोज मेरा एक बायस वैल्यू होती

तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है इस कोड से दैट वी आर डिफाइनिंग ए सिक्वेंशियल मॉडल सिक्वेंशियल मॉडल के वन बाय वन ऐसे करके हमारे लेयर्स चल रहे हैं एंड इन दिस मॉडल वी आर एक्चुअली पुटिंग फर्स्ट लेयर एज एन यूनिट्स का एक डेंस लेयर ठीक है ये वाला जो मेरा हिडन लेयर है दिस इज माई एन यूनिट्स का हिडन लेयर एंड डेंस टू का मतलब है ये मेरा फाइनल वाला आउटपुट है क्योंकि जो भी लास्ट लेयर होगा दैट विल बी आउटपुट

उससे आप बोलोगे कि हाँ ठीक है ये डीप न्यूरल नेटवर्क है एंड यू कैन कैलकुलेट एनी जेड वैल्यू बाय यूजिंग दिस दिस फार्मूला कैन बी सब्सिट्यूटेड आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे और आपको इसका मिल जाएगा जेड के वन का वैल्यू सो so, थोड़ा सा कोड अगर देखोगे तो कोड में यही है दैट यू आर पुटिंग मल्टीपल एन वन एन टू एन थ्री एन फोर ऐसे करके आप मल्टीपल लगा दो अपने ठीक है जितने भी होंगे एंड एंड में आपके क्योंकि दो ही आउटपुट है इसलिए हमारा फाइनल में तो डेंस टू ही आएगा सो so, प्रॉब्लम like. so, हमें प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है क्लास नंबर ऑफ लेक्सेंडेड हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंट ऑन द फाइनल प्रोजेक्ट सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा वी कैन से के भाई ऐसा कुछ है जो हमें पॉइंट्स मिले हैं कि जो जो बंदा या तो ज्यादा घंटे पढ़ेगा या ज्यादा लेक्चर लगाएगा वो पास हो जाएगा ठीक है जिसने कुछ भी नहीं किया जिसने ढंग से ना ही पढ़ाई करी है ना ही ज्यादा लेक्चर लगाए हैं तो वो फेल हो जाएगा सो दिस इज क्वाइट इंट्यूटिव ये डायग्राम बट नाउ वी विल हैव टू डू सम क्लासिफिकेशन यूजिंग द न्यूरल नेटवर्क सो फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे फोर कोमा फाइव का निकालना है

एक्चुअल हमारा वन है प्रोडिक्शन में, तो में हमारा ये रॉन्ग आउटपुट आया नॉट सिमिलर सो एक्यूरेसी में दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट मच सो दिस लॉस क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत है ठीक है जो भी हमारा आउटपुट है ये गलत है सो दिस लॉस ऑफ आर नेटवर्क मेयर द कॉस्ट

जीरो पॉइंट एट को वन पॉइंट माई वाई हैट दिस 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 इज 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 वैल्यू वैल्यू वाई एक्चुअल नाउ एंड नॉट मैचिंग इसलिए ये गलत हो गया ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे इसलिए ये भी गलत हो गया दिस टू आर मैचिंग दैट्स वाई दिस इज करेक्ट ठीक है सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल लॉस हम एम्पेरिकल लॉस में कैलकुलेट करेंगे कितने सही हैं कितने गलत हैं इन दिस केस वन आउट ऑफ थ्री इज करेक्ट सो थर्टी थ्री परसेंट एक्सी है अकॉर्डिंग टू दिस एम्पेरिकल लॉस तो यही चीज यहाँ पे लॉस uh, फंक्शन में भी करी गई है दैट इफ यू डू दिस वन बाय एन जो मैंने यहाँ पे किया वन बाय थ्री इंटू समन ऑफ ऑल द थिंग्स ठीक है कितने सही हैं तो आपने समेशन किया तो मुझे सिर्फ एक ही ठीक था तो मैंने एक न्यूमरेटर में रखा मल्टीप्लाइड बाय बाय बाईन दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द दल लॉस नाउ इफ यू कैलकुलेट द बाइनरी क्रॉस एंड ट्रॉपी लॉस बाइनरी क्रॉस एंड ट्रॉपी लॉस इज क्वाइट सिंपल लेट्स से दैट वी हैव सम पॉइंट्स हमारे पास x1, x2 एक्स टू के पॉइंट्स है फोर 8 एंड टू इट हमारे पास जो हैं वो ऐसा है कि पहले दो गलत हैं तीसरे वाला सही है सो इफ यू यूल फॉर्मूलाइनस वाई आई लॉग एफ एक्स आई कॉमा डब्लू प्लस वन माइनस वाई आई इंटू लॉग ऑफ वन माइनस दिस थिंग दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट दिस सॉफ्ट मैक्स क्रॉस एंड ट्रॉपी विथ लॉजिट्स नाम का एक फंक्शन होता है एंड यू कैन कैलकुलेट दिस एक्चुअल वैल्यू कॉमाप्रिडिक्टेड वैल्यू आप यहाँ पे पास करोगे यू विल गेट द लॉस वैल्यू ठीक है बट दिस इज हाउ द फॉर्मूला लुक्स लाइक फॉर बाइनरी क्रॉस एंड ट्रॉपी लॉस सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर मीन स्क्र एयर लॉस ऑल्सो मीन स्क्र एयर लॉस इज सिंपल दो तीन चीजें करनी है आपने एरर ढूंढना है उसको करना है फिर उसका मीन लेना है जो भी एरर आया एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड से उसका स्क्वायर किया ठीक है स्क्वायर कर दिया जी फिर उसका मीन भी निकालना है तो आप अगर मीन निकालोगे सो तो इट विल बी समेशन के बाद इन टू वन बाय एन सो so, ये तो फॉर्मूला काफी ईजी था नाउ हाउ डू वी ट्रेन न्यूरल नेटवर्क फॉर देट वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉस ऑफ्टिजेशन वी वॉन्ट टू फाइंड द नेटवर्क वेट्स द लोएस्ट loss so obviously because we want to do the optimization of the loss hum minimum to minimum loss leke aayenge and that can be calculated by finding the location of argument uh, argument function kya karta hai argument gives you the location of the minimum value जो भी आप पूरा कैलकुलेशन करोगे आपका एक मैट्रिक्स बनेगा उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू का लोकेशन बता देगा ये इसलिए वी आर यूजिंग दिस आर्गुमेंट तो जो भी आपके लॉस आएगा ठीक है जो भी आपने कैलकुलेट किया फंक्शन का लॉस उसमें से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उसका लोकेशन बता देगा आर्गुमेंट में तो ये हमारे पास लोएस्ट लॉस का वैल्यू आ जाएगा एंड लेट्स लुक इन टू दिस दैट वी हैव ए W जिसमें हमारे पास बड़े सारे वैल्यू होंगे डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन और इसमें क्या हो रहा है आर लॉस इज ए फंक्शन ऑफ द नेटवर्क वेट्स अब यहाँ पे इफ यू गेट ऑल द प्लॉट

तो पीछे जाके आप हो सकते हैं यहाँ पे लोकल मिनिमा में फंस जाओ दिस इज माई ग्लोबल मिनिमा टू रीच हेयर बट डिपेंड करता है कि आप स्टेप साइज क्या ले रहे हो आप कितना बड़ा स्टेप ले रहे हो मल्टीपल चीजें होती हैं ग्रेड डिसेंट वाली सो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू फाइंड द मिनिमम लॉस और देखना है कि क्या हम पहुंच पा रहे हैं ग्लोबल मिनिमा पे या नहीं सो लेट से वी पिक एन इनिशियल

जब तक आप कन्वर्जेंस नहीं कर जाते कन्वर्जेंस का मतलब है कि आप ऐसा पॉइंट हिट कर जाते जो बार-बार, बार-बार सेम आंसर दे रहा है तो उस पॉइंट पे सपोज यहाँ पे आपने बॉटम हिट कर दिया अब इसके बाद आप आगे कहीं नहीं जा सकते इसलिए दैट विल बी कन्वर्जेंस द वेट्स रैंडमली ठीक है this, uh, जब तक आप निकालते जाओगे और आप वेट्स को अपडेट करते जाओगे तब तक आपको कन्वर्जेंस का वेट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ग्रेड निकालते जाओ और उसको माइनस करके वेट्स में से अपडेट करते जाओ सो वैन यू गेट द कन्वर्जेंट वैल्यू दैट विल बी योर फाइनल वेट्स दैट यू विल बी रिटर्निंग सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड यहाँ पे कोड भी गिवन है यू कैन यूज टेंसर फ्लो एस टी एफ टी एफ डॉट वेरिएबल रैंडम डॉट नॉर्मल एंड यू कैन यूज दिस फंक्शन ऑफ ग्रेड टेप दिस विल हेल्प यू टू इम्प्लीमेंट द ग्रेडियंटेंट एंड यू कैन पास दैल्यूज लॉस इन ग्रेडियंट ऑल्सो अपडेट दैम वैन द लूप विल भी ओवर वाइल्ड ट्रू से आप जब आप बाहर आ जाओगे यू कैन गेट दिस वेट्स इक्वल टूज दिस इज एक्चुअली वेट अपडेशन सो जब यह हो जाएगा वाइल्ड ट्रू से आप बाहर आ जाओगे सो यहाँ पे आके आप रिटर्न वेट्स लिख सकते हो इफ यू एक्चुअली वॉन्टन इट समय अकॉर्डिंग टू द फंक्शन कॉल

यहाँ पे हम W2 की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल W2 में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है देन वट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज ऑन माई फाइनल लॉस ऑफ जे डब्ल्यू लॉस तो तभी तो निकलेगा जब हमारा प्रीक्षण आएगा तो प्रीक्षण के बाद यहाँ पे लॉस है जे डब्ल्यू एंड वी विल सी के अगर थोड़ा सा डब्ल्यू टू चेंज होता है तो यहाँ पे जे डब्ल्यू पे क्या इफेक्ट आता है सो इट मीन्स दैट वी नीड टू फाइंड डेल्टा जे डब्ल्यू यूजिंग डेल्टा डब्ल्यू टू इन द डिनोमिनेटर सो दिस इज द फॉर्मूला चेन रूल लगाएंगे देन यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग डेल्टा जे डब्ल्यू अपॉन डेल्टा वाई हैट इन टू डेल्टा वाई हैट अपॉन डेल्टा डब्ल्यू टू ना अपलाई चेन रूल फॉर डब्ल्यू वन ऑल्सो सो डेल्टा डब्ल्यू वन का अगर आप सॉल्व करोगे इट विल भी डेल्टा जे डब्ल्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू वन एंड यू कैन यूज द चेन रूल एंड गेट दिस इक्वेशन सो आफ्टर दिस रिपीट दिस फॉर एवरी वेट इन द नेटवर्क यूजिंग द ग्रेडियंट्स फ्रॉम द लेटर लेयर्स सो दैट्स ऑल आपको यही चीज करनी है बार बार आप ऐसे करके अपने वेट्स को कैलकुलेट करते जाओ पीछे जाते जाओगे सो पहले आप डब्ल्यू टू देखोगे फिर आप डब्ल्यू वन देखोगे अगर सपोज ये एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे करके आप इनिशियली डब्ल्यू वन तक जाओगे तो हर चीज का हम पीछे पीछे जा रहे हैं इसलिए इसका नाम बैक प्रोपेशन है अब मतलब बैक प्रोपेशन इसका नाम क्यों है उसका भी रीजन देख लो इनिशियली हमने डब्ल्यू टू के ऊपर कैलकुलेशन किया विथ टाइम जब डब्ल्यू टू का सॉल्व कर रहे थे फिर हमें डब्ल्यू वन की जरूरत पड़ी तो हम डब्ल्यू टू से डब्ल्यू वन पे गए तो पहले रेड एरिया सबसे पहले वायलेट एरिया था फिर रेड एरिया था फिर हम ब्लू एरिया में गए एंड दैट्स वाई वी आर एक्चुअली दैट दिस इज बैक प्रोपेशन सो दैट्स फॉर टूडे दिस वॉज द लास्ट लेक्चर एंड यू विल बी अपडेटेड अबाउट द क्विज एंड एवेल्यूशन थियोरेटिकली लेक्स आर ओवर थैंक यू